हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। सो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव। सो द क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू 4x1 प्लस 6x2। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव हमारे पास मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। सब्जेक्ट टू दीज आर द टू कंस्ट्रेंट। सो द फर्स्ट वन इज x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड सेकेंड वन इज 6x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। कंस्ट्रेंट मतलब होता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं टाइम को लेके, जैसे कि मैन के पास टोटल टाइम कितना अवेलेबल है या फिर मशीनरी के टाइम को लेके, उनको देखते हुए हमारी सबसे मिनिमाइजेशन कॉस्ट कितनी हो सकती है। x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x1 एंड x2 की वैल्यू या तो 0 होंगी या फिर 0 से ग्रेटर। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इधर x1 एंड x2 की वैल्यू को निकालने के लिए हमें जो उनसे इनइक्वालिटीज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू को हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे 8 when x1 is equal to 0। सबसे पहले x1 को 0 लेंगे, x2 की वैल्यू को निकाल लेंगे। इधर x1 को 0 लिया, x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। when x1 is 0, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x1 को 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, एंड x2 की वैल्यू 8। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 8। सो x1 इज 0, देन x2 इज 8। अब x2 को 0 लेंगे एंड x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरह से x2 की वैल्यू को 0 लेंगे एंड x1 की वैल्यू को निकाल लेंगे। व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x2 की वैल्यू को 0 पुट करना है इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। सो x2 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 8। x1 की वैल्यू क्या आ गई, 8। सो जब x2 की वैल्यू 0, देन x1 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 6x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन को लिख लेंगे इधर, 6x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन। इसमें x1 को सबसे पहले 0 सपोज करेंगे, x2 की वैल्यू को निकाल लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 12। 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 12। सो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 12। सो x1 की वैल्यू 0 एंड x2 की वैल्यू क्या निकली है, 12। इसी तरह से व्हेन x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस इक्वेशन में x2 को 0 ले लेंगे। इक्वेशन क्या आती है, 6x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12। सो 6x1 x2 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 12। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 बाय 6 डेट इज 2। सो x1 की वैल्यू 2 एंड x2 की वैल्यू 0। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं, व्हेन x1 इज 0 एंड x2 इज 8। सो फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड 8 एंड सेकेंड पॉइंट इज x1 इज 8 एंड x2 इज 0। सो सेकेंड पॉइंट इज 8, 0। ये पॉइंट्स आए हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से। एंड सेकेंड इक्वेशन से कौन कौन से पॉइंट आए हैं,
when x1 is 0 and x2 is 12. So first point is 0 and 12, and when x1 is 2, x2 is 0. Second point is 2, 0. So हमारे पास ये points निकले हैं 0.8, 8.0 first equation से and second equation से 0.12 and 2.0. अब हम इन points को graph paper पे plot करेंगे. मैंने इधर simple paper लिया है. X1 हमेशा x axis पे show करना है and x2 हमेशा y axis पे. So first point is 0.8. So 0 x1 and 8 x2. So this is the point 0.8. x1 हमेशा पहले होता है and x2 हमेशा बाद में. And the second point is 8.0. 8x1 and 0x2. So this is the point 8.0. अब इन दोनों को match कर देंगे. So ये line होगी first equation से. इसी तरह से second equation के points क्या थे? 0.12. 0x1 and 12x2. 0.12 and second is 2.0, 2x1 and 0x2, 2.0. अब इन दोनों को मैच करते हैंगे. So ये लाइन आ गई सेकंड इक्वेशन से. अब हमें फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है. फिजिबल रीजन वो होगा जो दोनों कंडीशन को, दोनों इक्वेशन की कंडीशन को फुलफिल करेगा. वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे कि हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट लेसर देन है या फिर ग्रेटर देन. सो हमारे पास क्वेश्चन में क्या थी इक्वेशन? x1 plus x2 is greater than or equal to 8. सो इक्वेशन में हमारे पास ग्रेटर देन है. सो फिजिबल रीजन कौन सा आएगा? अबव द लाइन. सो ये फिजिबल रीजन आ जाएगा. फिजिबल रीजन वो लेना है जो दोनों इक्वेशन की कंडीशंस को फुलफिल करे. हमने ये वाला रीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन के तो अबव है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन के अबव है, बट सेकंड इक्वेशन के अंडर आ रहा है. तो ये वाला रीजन नहीं लेना. अब इस केस में ये वाला कॉमन रीजन है. ये वाला इस लाइन के अबव है एंड इस लाइन के भी अबव ये वाला रीजन है. सो दिस इज द फिजिबल रीजन. अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स लोकेट करने हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज, इनको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी. इनकी वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 8.0 एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.8, 7.2. एक्स एक्सिस पे 0.8 एंड एक्स टू पे 7.2 एंड इसकी वैल्यू है 0.12. हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है. सो हम इन तीनों पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लॉट करेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. सो जो इन तीनों पॉइंट में से सबसे कम कॉस्ट देगा वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा. सो हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से तीन पॉइंट्स निकले हैं? 0.12 एट पॉइंट ए एंड 0.8, 7.2 बी पॉइंट पे एंड 8.0 सी पॉइंट पे. एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या था? 4x1 प्लस 6x2. अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और जो हमें सबसे मिनिमम कॉस्ट देगा वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा. देखिए कैसे. 4x1 के 0 प्लस 6x2 की वैल्यू कितनी है? 12 इज इक्वल टू 0 प्लस 72. सो आंसर क्या आ गया? 72. एंड बी पॉइंट पे 4 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 0.8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू 7.2. सो वैल्यू आ गई 3.2 प्लस 43.2. सो आंसर इज 46.4. सी पॉइंट पे 4 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू 8 प्लस 6 x2 की वैल्यू 0. सो आंसर इज 32. सो मिनिमम कॉस्ट किस पॉइंट पे आई है? सी पॉइंट पे. एंड x1 की वैल्यू 8 एंड x2 की वैल्यू 0 एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई? 32. सो x1 की वैल्यू 8 एंड x2 की वैल्यू 0 एंड z इक्वल्स टू 32.
इस पॉइंट पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन है व्हेन x1 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 32। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।